Hooplist.io. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह कुछ भी ना भूलना। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे, तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन लाजमी दबाना है। व्यूअर, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बेचैन हुआ है वो खाने के पीछे। अभी इसको हम कंट्रोल करते हैं, इसकी हमने ट्रेनिंग की हुई है, तो देखिएगा हमारी बार खाने का। जैसा कि आप ये देख सकते हैं फुल बेचैन था, लेकिन उसने हमारी बात मानी है क्योंकि इसकी हमने ट्रेनिंग की हुई है बहुत अच्छी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टिप है कि पपी जो छोटा है उसको आपने डॉग फूड लाजमी देना है एक साल तक, लाजमी। ज़्यादा भी दे सकते हैं आप, लेकिन पपी के लिए ग्रोथ के लिए क्या हो जी मीनू साहब, क्या होता है? फिजिकल हेल्थ के लिए और ब्रेन के हेल्थ के लिए। हाँ जी, ब्रेन की हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। ब्रेन इसका शार्प हो जाता है, पूरी ग्रोथ होती है उसकी। ये मेन जो टिप है ना, आपको याद रखिएगा, जिसने भी पपी रखा है। ये लिया था तब 40 दिन का था और अभी 1.5 साल का हो गया। पूरे 1 साल तक हमने इसको डॉग फूड डाला है और उसके ऊपर ही आपने ट्रेनिंग की है। सी डॉग फूड हाथ में पकड़ते थे आप? इस डॉग फूड को हाथ में पकड़ लेते हैं और डॉग फूड को पकड़ के इसको जो है अपने गिर्द घूमने के, अपने साथ घूमने की आदत डालनी होती है। साथ साथ एक डॉग फूड आपने देना है इसको। जब इसको आदत पड़ जाएगी ना डॉग फूड की, तो ये आपकी हर बात को फॉलो करेगा। सबसे पहले तो इसका साउंड के ऊपर इसको स्टार्ट में आपने रखना है, किसी भी साउंड जैसे ऐसे, और साथ इसका नाम लेना है। जब ये नाम के ऊपर आपके चौकस हो जाता है और आता है, तो फिर इसको आप एक डॉग फूड का दाना इसके मुँह में डालें। ये आपकी पहली ट्रेनिंग स्टार्ट होती पपी की, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने इसको जो है वो खाने के ऊपर लपकने नहीं देना, इसका अग्रेसिवपन को रोकने के लिए आपने डॉग फूड का इस्तेमाल करना है। और इसको आपने बिठाना है, जिस तरह भी आपने देखा था कि ये बैठेगा और आपकी बात के ऊपर ये सिर्फ खाना खाएगा, अदरवाइज़ ये खाना नहीं खाएगा। क्योंकि इसकी ट्रेनिंग इसी तरह की आपने करनी है, आपने अपने इसको हाथों के इशारों पर नचाना है। आपकी तरफ देखेगा कि अब ऑर्डर आया है, तो ये हिलेगा कि हाँ जी अब खाना है। खाना पड़ा भी होगा तो नहीं, ये नहीं खा रहा। इसका मतलब है कि ये ही ट्रेनिंग का पहला हिस्सा है। इस तरह आपने आप अपने बैक, सिट डाउन, सिट, गो, कम, कम पर, कम, वेल डन। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैक, सिट, सिट डाउन, सिट डाउन, गो। इसको जो चीज़ भी आप सुंघा के आप कहीं भी छुपा भी देंगे, फेंकेंगे, ये आपको वापस ला के देगा, ढूंढेगा। ये इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये लेब्रा की नस्ल में भी होता है, लेकिन ये इसकी स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती, फिर इसी को आता है ये। वैसे इसको नहीं आता ये, जैसे आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिकली कि ये इसको चीज़ सुंघाई गई है और उसको फेंका गया है, तो ये इसको पकड़ के ला के वापस ले के आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हैंडशेक की भी इसकी ट्रेनिंग है। छोटे होते सिखाएंगे तो ये सीखेगा, अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन सीख जाएगा। Music licensing reimagined.